वेलकम टू माई चैनल। आज के हम लेक्चर में डिजिटल डिज़ाइन का जो हमारा बुक है एम मोरिसमानो की है उसकी चैप्टर 2 की प्रॉब्लम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम 2.2 करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस गिवन है, उन्हें मिनिमम नंबर ऑफ लिटर्स में जो है हमने उसे सिंप्लीफाई करना है। पहली प्रॉब्लम 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स वाई और हमें गिवन है प्लस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर हम देखें इन दोनों वैल्यूज में एक्स कॉमन है तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, अलजबरा है क्योंकि अलजबरा में हम दो वेरिएबल्स प्लस हो रहे हैं और उनके जो है दो जो टर्म्स हैं प्लस हो रही हैं, तो हम उसको कह सकते हैं उसमें से अगर कॉमन वैल्यू है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स कॉमन ले लिया, वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, वाई एक वेरिएबल और प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो ये एक्स इंटू वन इनवर्स लॉ यहाँ पे लग गया है, तो और एक्स मल्टीप्लाई बाय वन आइडेंटिटी लॉ लग गया कि उसी वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही टर्म वेरिएबल आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स इसका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास ये है एक्स प्लस वाई डॉट जी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जी। यानी अगर एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जी यानी ये दो सेकंड वाली वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई जी यानी ये दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्स जो कॉमन वेरिएबल है वो ऐसे आ जाएगा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास प्लस में टर्म्स गिवन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देता है, मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज कर देता है। अभी मल्टीप्लाई नहीं तो प्लस में चेंज कर देना है। एक्स हमारे पास कॉमन था, एक्स वैसे ही आ गया और वाई और वाई का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लग गया। और वाई वाई कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द इनवर्स लॉ किसके इक्वल होता है, जीरो। अगर वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट के दरमियान सम है तो प्लस है तो वो क्या वन के इक्वल होता है, अगर उसमें प्रोडक्ट है तो वो जीरो के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जीरो। और सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर क्या है, आइडेंटिटी लॉ लगाया तो इसका आंसर क्या आ गया, एक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जी प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई जी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम देखें हमारी फर्स्ट टर्म और जो हमारी लास्ट टर्म है इसमें एक्स वाई कॉमन है तो हम दोनों टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं और इसमें से एक्स पहली टर्म में से और आखिरी वाली टर्म में से हम क्या करते हैं, इन दो टर्म में से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, जी प्लस जी कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ पे फिर से इनवर्स लॉ लगेगा, अगर वेरिएबल उसके कॉम्प्लीमेंट के दरमियान प्लस है तो वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वन के इक्वल है, तो एक्स वाई वन टू वन प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। अब यहाँ पे क्या लगेगा, आइडेंटिटी लॉ लगेगा, किसी भी टर्म को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही टर्म या वेरिएबल आ जाएगा, तो ये एक्स वाई आ गया। अब इन दोनों में से देखिए इन दोनों में कुछ क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में y हमारे पास कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। और x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट दोबारा इनवर्स ला लगेगा, ये वन के इक्वल है और देन आइडेंटिटी ला, तो ये क्या आंसर आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद y हमारे पास आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या, फोर्थ वाला क्वेश्चन, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इंटू कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अगर किसी भी जो एक्सप्रेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट गिवन है और अगर उसके दरमियान प्लस है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद अगर मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाती है, ये हमारा डी मोर्गन्स लॉ है। डी मोर्गन्स लॉ क्या है, यानी ए प्लस बी है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट अंदर जब चला जाएगा तो वो उसको प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देगा। इसी तरह प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, दोनों वेरिएबल्स के साथ सेपरेट सेपरेट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ एडम्प्टोटेंट लॉ लगेगा, इन्वोल्यूशन सॉरी इन्वोल्यूशन लॉ लगेगा। इन्वोल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट से कट जाता है तो वापस वही वेरिएबल आ जाता है। तो ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा, अब ये चारों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए और बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए यानी किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो के इक्वल आता है हमारे इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हाँ, ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, तो ये जीरो हमारा इसको आंसर आ गया इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अच्छा जो हमारे यहाँ यहाँ पे क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। हाँ हमारे हम अलजेब्रा में क्या करते हैं कि अगर दो एक्सप्रेशन गिवन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए को पहले दोनों वेरिएबल्स के साथ, बी को दोनों वेरिएबल्स के साथ, देन सी कॉम्प्लीमेंट को दोनों वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही है कि आपने हर टर्म को दूसरी एक्सप्रेशन की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के, यहाँ पे ए को किया मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, और ये इन दोनों को किया है, ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास। फिर ए को किया है हमने जो है सी के साथ, तो सॉरी ए पहले हमने यहाँ क्या किया है, ये आ जाएगा, पहले ए को इसके साथ किया है, देन बी को हमने इसके साथ किया है, तो बी को इसके साथ करने के बाद ये आ गया, फिर सी को हमने किया है इसके साथ तो ये आ गया। पहले ए बी सी कॉम्प्लीमेंट को इसके साथ किया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये तीन आ गई। फिर इन तीनों को ए प्लस बी, ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट को हमने किसके साथ किया, सी के साथ किया है, तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ गई हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट को पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के साथ किया, देन सी के साथ किया। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर पहले एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है तो बाद में वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, अब प्लस की फॉर्म में चेंज हो गई है। तो अब यहाँ पे ए अगर हम देखें, ये ए इस टर्म में, यहाँ पे जो हमारी ये वाली टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और इस वाली में ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ए सी, और पहले तो हम यहाँ पे जो हमारा सी और सी कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा इन्वर्स लॉ है, ये जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, ये भी इन्वर्स लॉ लगेगा, जीरो इक्वल इक्वल है। यहाँ पे बी और बी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ तीन जगह पे हमारा इन्वर्स लॉ लगेगा जो कि जीरो के इक्वल आ जाएगा। इन्वर्स लॉ लगाएंगे, पहले इस ए कॉम्प्लीमेंट ए जीरो के इक्वल, बी बी कॉम्प्लीमेंट जीरो के इक्वल, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बच गया, और सी सी कॉम्प्लीमेंट जीरो के इक्वल, तो ये तीनों टर्म्स तो हो गए जीरो एनलमेंट लॉ के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्या टर्म्स बची, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए सी और बी सी, ये तीन बची हैं। मजीद इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए प्लस बी और सी कॉमन लेके, तो यहाँ ये यहाँ तक ही सिंप्लीफाई होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो के वाली टर्म है, इसमें एक ए और यहाँ पे बी सी, यहाँ पे भी बी सी है और यहाँ पे भी बी सी है, यानी यहाँ इन दो टर्म में से बी सी कॉमन लिया जा सकता है, और इसमें से बी सी कॉम्प्लीमेंट और इसमें से भी बी सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया जा सकता है, यानी ये इन दोनों टर्म में से एक साथ कॉमन लिया जा सकता है और इस दोनों टर्म में से एक साथ कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम देखें हमारा क्वेश्चन, मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी, जो इनको इसके साथ लिख देते हैं इसको इसके साथ लिख देते हैं, तो अब इस पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉमन आएगा, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉमन आएगा, दूसरी टर्म्स में से क्या आ जाएगा, ए बी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये हम ले लेते हैं कॉमन, अब यहाँ से कॉमन ले लिया, अब यहाँ सी कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट ले को अगर ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉ। तो यहाँ पे इनवर्स लॉ लगा देते हैं, यहाँ पे इनवर्स लॉ लग गया, वन आ गया, ये वन आ गया। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी वन, और यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ लग गया, आइडेंटिटी लॉ लगने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में हमारे पास बी कॉमन आ रहा है,
बी कॉमन लिया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए अकॉर्डिंग टू द इनवर्स ला किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल, और उसका बी, और देन इन दोनों को हम करेंगे तो यहाँ पे फिर हमारा आइडेंटिटी लॉ लग गया कि हम वन के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी लॉ आ गया। अब आपको क्वेश्चंस करने से पहले, क्वेश्चंस बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने से पहले सारे के सारे लॉज अच्छे से पता होने चाहिए, बूलियंस के जितने भी जो लॉ है, प्रोपोजिशन लॉजिक्स लॉ जितने भी हमारे पास है वो सबके सब आपको पता होने चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन से जितने भी हमने प्रॉब्लम 2.2 चैप्टर नंबर 2 है जो डिजिटल डिज़ाइन बाय एम मॉरिस मानो उसके क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम 2.2 के 6 क्वेश्चन थे जो आज आज के वीडियो लेक्चर्स भी हमने सॉल्व किए हैं।